नमस्कार, इंडिया पूल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जय चमोली। हाल फिलहाल महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार बदली गई, उसके बाद एक त्वरित सर्वे किया रोडमैप टू विन इलेक्शंस सर्वे एजेंसी ने, तो आज उस सर्वे एजेंसी के जो कर्ता धर्ता हैं, संस्थापक डॉक्टर सुनील मिश्रा हमारे साथ बेहद ही खास वार्ता में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू जय। सबसे पहले सर मेरा ये सवाल रहेगा कि 288 सीटों पर आपने सर्वे किया, क्या समीकरण निकलकर सामने आ रहा है? देखिए जय, थैंक यू सो मच आप अपने प्रोग्राम में हमें समय देने के लिए। अभी जिस तरह महाराष्ट्र में राजनीतिक परिपेक्ष बदले हैं, उन परिपेक्ष को समझने के लिए हमारी संस्था रोडमैप टू विन ने सभी 288 विधानसभा सीटों पे लगभग 21,500 का सैंपल साइज लेकर हमने सर्वे किया और हमने दो प्रश्न जानने की कोशिश की। सबसे पहली तो अगर देखें कि जिस तरह से उद्धव की सरकार जाने के बाद सिंधे प्लस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसको लेकर जनता के बीच में क्या एक समझ बैठी है, जनता इसे कैसी सोचती है। जब हमने लोगों से सवाल किया कि उद्धव सरकार के गिराने के लिए या उद्धव सरकार को रिप्लेस करने के लिए लोग सिंधे को जिम्मेदार मानते हैं या लोग भारतीय जनता पार्टी को, तो 67% लोगों का कहना था कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं। 33% ऐसे लोग थे जो सिंधे को जिम्मेदार मानते हैं। अर्थात अगर देखेंगे एक बड़े कैनवास पे तो कल्प्रिट कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लोग, मराठी मानुष भारतीय जनता पार्टी को मान रहे हैं, न कि सिंधे को मान रहे हैं। एक छोटे तौर पे अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि गद्दारी तो सिंधे ने किया, पीठ में खंजर तो सिंधे ने गोजा, लेकिन इसके पीछे लोग जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को मान रहे हैं, ऐसा जो हमारे लेटेस्ट सर्वे में निकल कर आया। दूसरी चीज आप देखें, जब इसी परिप्रेक्ष्य में हमने लोगों से अगला सवाल किया कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव या आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को इसका नुकसान होगा, तो लोगों ने एक स्वर में कहा, लगभग 69% लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होगा। इन सर्वे के तमाम बिंदुओं को हम डिस्कशन न करके इन दो बिंदुओं पे ही अगर फोकस करें तो यह बात तो कहीं ना कहीं मराठी मानस के बीच में, मराठी कम्युनिटी के बीच में, लोगों में जहन में बैठ गई है कि ऑपरेशन लोटस के पीछे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार थी और कल्प्रिट नंबर वन बीजेपी है, सिंधे कल्प्रिट नंबर टू है। कल्प्रिट नंबर वन बीजेपी है सर, आप बीजेपी को यहाँ पर दोषी ठहरा रहे हैं, परंतु अगर भाजपा समर्थकों की बात की जाए तो वो कहते हैं कि गद्दारी की शुरुआत तो उद्धव ठाकरे द्वारा की गई थी। आप उद्धव ठाकरे को किस तरह गद्दारी की शुरुआत की बात करते हैं? देखिए, जिस तरीके से 2019 में चुनाव हुए, उसके बाद जो सीएम की दावेदारी थी, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने खुद से अपना नाम जो है आगे रख दिया और समर्थकों का बेड़ा लगा दिया वहां पर, कि सारे समर्थक जो हैं प्रोटेस्ट करने लगे। आपको पता है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जब महाराष्ट्र में हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में क्या एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, दोनों के बीच में क्या बायलेटरल टॉक हुआ था, ये डिसाइड हुआ था कि सत्ता ढाई ढाई साल के लिए आपके पास रहेगी, ढाई साल के लिए हमारे पास रहेगी। 2014 से लेकर 2019 तक आप सत्ता में रहे, उद्धव ने कुछ चीजें बोला आपके बीच में। मुझे लगता है कि यह बिच ऑफ कमिटमेंट है, दिस इज नॉट समथिंग जो आप चीजें कर रहे हैं, यह बिच ऑफ कमिटमेंट है। वह भारतीय जनता पार्टी जो 1989 में शिवसेना के साथ गठबंधन करती है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ती है, वह भारतीय जनता पार्टी जिसकी महाराष्ट्र की अस्मिता में कोई पकड़ नहीं थी, वह भारतीय जनता पार्टी जिसकी आरएसएस की विचारधारा मराठी मानुष में के बीच में उतनी लोकप्रिय नहीं रही जितनी बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्ववादी विचारधारा पॉपुलर रही। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वह अपने हिस्सेदारी की बात कर रहे थे, साझेदारी की बात कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको कमतर आका, उनको कम आका, इस वजह से उद्धव सरकार को या उद्धव को यह डिसीजन लेना पड़ा होगा। विचारधाराओं की बात हो रही है सर, विचारधाराओं पे तो शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे भी जो है अडिग नहीं है, कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। कांग्रेस तो मुस्लिम अपीसमेंट पार्टी है एक तरीके से, जिस तरीके से कांग्रेस का ग्राफ रहा है वो मुस्लिम समुदाय को भी साथ में लेकर चलते हैं, और शिवसेना द्वारा ये दावा किया गया, उद्धव द्वारा ये दावा किया जाता था कि हम हिंदूवादी पार्टी। देखिए, कई बार बड़ी राजनीतिक पार्टियां ऐसे प्रोपोगंडा लगाती हैं जनता के बीच में। भारतीय जनता पार्टी को आप क्या मानते हैं, हिंदूवादी पार्टी या मुस्लिम अप्रिजमेंट की बात करते हैं? आप बीजेपी को क्या मानते हैं? बीजेपी तो सर हिंदूवादी पार्टी। अगर बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है, हिंदुत्व की बात करती है, तो जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने के लिए महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किए, क्या भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमवादी पार्टी होगी?
एक ऐसी पार्टी जो हिंदू विरोधी पार्टी है, एक ऐसी पार्टी जो मुस्लिम पार्टी है, उसके साथ आप गठबंधन करके सरकार बनाते हैं, यह मॉक थ्योरी की बात चल रही है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है कि कैसे उद्धव सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, कैसे उद्धव और उनके साथियों को कटघरे में खड़ा करके यह दिखाया जाए कि बाला साहब ठाकरे, उनके बेटे, उनके पोते और कहीं ना कहीं मातोश्री में असली हिंदुत्व का चेहरा नहीं है, जो भी हिंदुत्व का चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। मुझे लगता है यह चुनावी फायदे के लिए इस तरह से मॉक थ्योरी प्रूफ की जा रही है, ऐसा जनता के बीच में नहीं है। कोर्ट के फैसले पर आते हैं सर, सिंबल और पार्टी का नाम दोनों शिंदे गुट को मिल गया। देखिए कोर्ट का फैसला तो किस परिप्रेक्ष्य में आया उस पर कोई बहस करना चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में औरंगाबाद से लेकर नासिक से लेकर पुणे से लेकर कोंकण जोन तक लेकर नागपुर में किन्हीं भी एरियाओं में, चूंकि हम सर्वे के दौरान सभी एरियाओं में रहे, बच्चा बूढ़ा या नौजवान, सबकी ज़बान पर एक ही चीज़ें हैं कि शिवसेना का मतलब उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना का मतलब मातोश्री, शिवसेना का मतलब बाला साहब ठाकरे। तो मुझे लगता है कि धनुष बाण का सिंबल होना नहीं होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव के मैदान में उद्धव अगर अकेले दम पे भी जाते हैं तो एक बड़ी सिंपैथी है लोगों के मन में, लोगों को लगता है कि जिस बाला साहब ठाकरे ने हिंदूवाद को लेकर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, जिस बाला साहब ठाकरे ने गद्दारों को कभी माफ़ नहीं किया, उनके परिवार के लोगों के पीठ में खंजर घोंपा गया है, वो खंजर घोंपने वाले लोग अपने हों या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, मुझे लगता है कि इस पूरे महाराष्ट्र में जनता कहीं ना कहीं ये मूड बनाकर बैठी हुई है कि आगामी चुनाव में एक तरफा एक संदेश दिया जाएगा कि मराठा के लोग, मराठा मानुष, महाराष्ट्र के लोग गद्दारी को कभी भी माफ़ नहीं करते हैं, महाराष्ट्र के लोग, मराठी मानुष वफादार हैं और गद्दारों को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। हाल फिलहाल एकनाथ शिंदे ने शिवधनुष यात्रा निकाली अपनी, उस पर क्या आपको प्रतिक्रिया रहेगी, क्या प्रभाव पड़ेगा महाराष्ट्र की राजनीति? आप एक चीज ये बताइए कि आप चोरी कर लीजिए, आप किसी को गोली मार दीजिए, आप किसी की हत्या कर दीजिए और जाकर गंगा स्नान कर लीजिए, तो क्या आपका पाप कम हो जाएगा? पर सर यात्रा ये जो सिंबल है, आप एक चीज समझिए, शिवधनुष यात्रा में आप अपने तमाम लोगों को लेकर पहले अयोध्या जाते हैं, आप इस चीज को बताइए, और अयोध्या से दिखाते हैं कि हम शिवधनुष वहां पर लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, आप लोगों के बीच में लेकर जाकर क्या बताने की कोशिश करेंगे कि आपके मन में सीएम बनने की इतनी दिली ख्वाहिश थी कि आपने बाला साहब ठाकरे को जो है क्या कर दिया, गद्दारी कर दी, उनके परिवार के साथ, उनके लोगों के साथ गद्दारी कर दी। मुझे लगता है यह एक मार्केटिंग स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है, बहुत ज्यादा इसका कोई जनता में प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, जनता में प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं एनसीपी के बगावती सुर की, जिस तरीके से अजीत पवार ने हाल फिलहाल में जो बयान दिया माइक्रोफोन वाला, या फिर शरद पवार की बात करें नागालैंड में जो हुआ उससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है सर, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या जो ये अघाड़ी है ये अघाड़ी गाड़ी चला पाएगी महाराष्ट्र की? देखिए सबसे पहली चीज तो आप समझ लें कि महाराष्ट्र की राजनीति में आप अगर देखेंगे तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, क्योंकि एक कहीं ना कहीं शिवसेना अगेंस्ट रही है कांग्रेस और एनसीपी के साथ में, शुरू से इनका चुनाव अगेंस्ट में रहा है, अब ये साथ में मिलकर आए हैं तो कुछ खटपट तो होती रहेंगी, लेकिन इन छोटी छोटी खटपटों को यह चीज़ समझ लिया जाए कि महा विकास अघाड़ी में फूट है तो मुझे लगता है गलत होगा। आज के समय में आप देखें वो कांग्रेस हो या एनसीपी हो, उनको पता है कि अगर महाराष्ट्र की राजनीतिक नाव पार करनी है या नैया को पार लगाना है तो उद्धव की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में उद्धव के प्रति जो एक समर्पण की भावना है, एक इमोशनल सेंटीमेंट है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आपको अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, वो एनसीपी हो या कांग्रेस हो, बिना उद्धव के अपनी सरकार में सहभागिता बनाने के लिए उन्हें सोच सकते हैं। तो छोटी मोटी चीज़ें हो रही होंगी, उस पर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़े विकल्प पर मुझे लगता है कि एमबीए में कोई इस तरह से खटपट दिखाई नहीं दे रही है। आखिरी सवाल रहेगा सर मेरा, 2024 की महासंग्राम से पहले सेमीफाइनल है बीएमसी इलेक्शन,
क्या लगता है शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे क्या प्रभाव रख पाएंगे इस बार, क्या दोबारा से सत्ता में काबिज हो पाएंगे बीएमसी? देखिए बीएमसी इलेक्शन अभी जिस तरह से मुझे लग रहा है कोर्ट में डेट आगे बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि बरसात के बाद शायद बीएमसी इलेक्शन हो। मुझे लगता है कि बीएमसी इलेक्शन वास्तव में कहीं ना कहीं शिवसेना के लिए, शिवसेना यूबीटी के लिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस एंड एनसीपी सबके लिए एक कठिन प्रश्न होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर शिवसेना यूबीटी उद्धव बाला साहब ठाकरे अगर सही वे में काम करें तो इस सत्ता में दोबारा एक काबिज हो सकते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में अगर कोंकण बेल्ट में भी हम बात करें अपने सर्वे में, तो कोंकण बेल्ट में भी एक लोगों के बीच में गुस्सा है, एक कसक है कि भारतीय जनता पार्टी ने गद्दारी की है, भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव को कहीं ना कहीं एक छल करके सीएम पद से हटाया है। तो मुझे लगता है अगर इस इमोशनल वेव को सही मैनेज कर लेते हैं उद्धव गुट के लोग, तो बीएमसी में वापसी हो सकती है। महाराष्ट्र की राजनीति में गठजोड़ जारी है, देखना लाजमी होगा कि महाराष्ट्र की सत्ता किस और करवट लेती है। ऐसे और तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया पोल न्यूज। धन्यवाद। कुछ क्वेश्चन छूटा तो नहीं?